दोस्तों एडोबी प्रीमियर प्रो वन ऑफ द बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें आपको वीडियो एडिटिंग के ह्यूज टर्न्स ऑफ टूल्स और फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि एडोबी प्रीमियर प्रो को अपने कंप्यूटर में रन करने के लिए कौन कौन से मिनिमम और रिकमेंडेड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए, कौन कौन से हार्डवेयर आपके कंप्यूटर में होने चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। तो सबसे पहले देखते हैं डिस्प्ले की। इसमें आपको 1200x1080 पिक्सल का डिस्प्ले होना चाहिए। प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोसेसर अगर आप इंटेल का लेते हैं तो ये 6th जनरेशन के ऊपर का होना चाहिए, यानी कि इंटेल कोर i3 6th जनरेशन के ऊपर के सारे प्रोसेसर। और AMD के SSE4 जितने भी सपोर्टेड प्रोसेसर हैं, यहाँ पर आप लिस्ट में देख सकते हैं कौन कौन से सॉफ्टवेयर सपोर्टेड है। जनरली जितने भी Ryzen और Athlon सीरीज के प्रोसेसर हैं उन सभी में SSE4 सपोर्टेड है। तो ये सब प्रोसेसर आपके कंप्यूटर में रहेंगे तभी प्रीमियर प्रो चलेगा। रैम आपको 8GB चाहिए और स्टोरेज 15GB का स्पेस फ्री होना चाहिए। और अगर ग्राफिक्स की बात करें तो 2GB ग्राफिक्स रैम होना चाहिए। डेडिकेटेड भी अगर कोई ठीक ठाक ग्राफिक्स कार्ड है तो उसमें भी ये रन कर जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि अगर ये सब रिक्वायरमेंट्स है आपके कंप्यूटर में तो आपके कंप्यूटर में ये सिर्फ इंस्टॉल हो जाएगा। छोटे मोटे आप वीडियो एडिट कर सकते हैं, कोई ह्यूज प्रोजेक्ट आप इस पर वर्क नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए रिकमेंडेड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। तो चलिए देखते हैं रिकमेंडेड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स फॉर एडोबी प्रीमियर प्रो। तो इसमें सबसे पहले डिस्प्ले आपको 1920x1080 पिक्सल का फुल HD डिस्प्ले होना चाहिए। प्रोसेसर इसमें अगर आप Ryzen 7 और i7 लगाते हैं तो ये काफी बढ़िया रिजल्ट आपको देगा। लेकिन अगर आप लेटेस्ट जनरेशन के i5 प्रोसेसर भी लगाते हैं, चाहे वो 8th जनरेशन 9th 10th, तो भी आपको ठीक ठाक रिजल्ट मिल जाएगा। आपको कोई ज्यादा लैग नहीं होगी, स्मूथली रन करेगा आपके कंप्यूटर में। रैम काफी इंपॉर्टेंट है, 16GB का रैम मस्ट होना चाहिए। और अगर आप 4K एडिटिंग करना चाहते हैं तो 32GB आपको मैं रिकमेंड करूंगा। और यहाँ पर अगर स्टोरेज की बात करें तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप एक SSD लगाएं और जिसमें कम से कम 65GB का स्पेस फ्री होना चाहिए एडोबी प्रीमियर प्रो के लिए। और अगर बात करें ग्राफिक्स कार्ड की तो ग्राफिक्स कार्ड आपको 4GB डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए। और अगर आप 4K एडिटिंग करना चाहते हैं तो 6 या 8GB का ग्राफिक्स कार्ड डेडिकेटेड होना चाहिए। यहाँ पर आप कुछ ग्राफिक्स कार्ड और प्रोसेसर के स्कोर्स देख सकते हैं। जब वो प्रीमियर प्रो चल रहे हैं कंप्यूटर में तब इनका आप स्कोर देख के आप यहाँ पर एक एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा ग्राफिक्स कार्ड आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। तो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा जिसमें मैंने बताया है कि एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स के लिए कौन कौन से मिनिमम और रिकमेंडेड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।